हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगल डिजीज के बारे में, बेसिक पॉइंट को कवर करते हुए। और ये बेसिक पॉइंट होंगे उनके कॉज, उनके सिम्टम, उनके मैनेजमेंट, उनके रिस्क फैक्टर और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। हालांकि इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन आज का वीडियो उस वीडियो से डिटेल्ड होगा, जिसमें हम बात करेंगे एक फार्मासिस्ट की नजर से और एक मेडिकल प्रोफेशनल की नजर से थोड़े डिटेल में। लेकिन अगर इस वीडियो को जनरल पब्लिक भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफी यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें मैं काफी सारे डेमोंस्ट्रेशन भी यूज करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो म्यूकोमाइकोसिस का मिसकॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में अक्सर ये चीजें मूव कर रही हैं, जिससे डर थोड़ा सा बन रहा है। म्यूकोमाइकोसिस हर एक व्यक्ति को जिसको कोविड-19 हुआ है उसको होगा, ये बिल्कुल गलत है। हर एक व्यक्ति इससे अफेक्ट नहीं हो सकता, केवल ऐसे व्यक्ति जिनको सीवियर कंडीशन में हॉस्पिटलाइज किया गया था, उन्हीं को अगर बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक कंडीशन है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, उन्हीं को अगर ज्यादा स्टेरॉइड दिया गया है जिससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हुआ हो, उसके रिकवर होने के बाद वो ऐसे कॉन्टेक्ट में आते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं जहां म्यूकोमाइकोसिस को कॉज करने वाले जो फंगस हैं वो स्प्रेडेड हैं, उनको वो इनहेल करते हैं, तब जाकर के संभावना बनती है। या अगर जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें ऐसे वाटर को यूज किया गया है जो कि कंटामिनेटेड है, तो उससे चांसेस बनते हैं जब हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस अगर किसी व्यक्ति में एक साथ देखने को मिलती है तो उसके चांसेस बनते हैं, बाकी सब में होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आज का वीडियो बनने वाला है वो पूरी तरह से ICMR के जो इंस्ट्रक्शन फ्लोट हुए हैं, जो गाइडलाइंस जारी हुई है, एडवाइजरी जारी हुई है, उसी को एज इट इज फॉलो करते हुए बनाया गया है। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन पूरा सटीक 100% विश्वास करने वाला है। सबसे पहले देखिए ये जो म्यूकोमाइकोसिस है वो है क्या। दिस इज अ बेसिकली अ फंगल डिजीज। इसको आज से पहले कुछ और नाम से जाना जाता था, तो इसका प्रीवियस नाम था जाइगोमाइकोसिस। जाइगोमाइकोसिस पहले और अब इसको बोलते हैं म्यूकोमाइकोसिस। इसका नेचर कैसा है, दिस इज अ वेरी रेयर फंगल डिजीज। हालांकि ये रेयर है, कभी कभी किसी किसी को होता है, लेकिन अगर ये होता है और इसको आप नेगलेक्ट करते हो, अवॉइड करते हो, तो ये आपका वेरी फैटल, वेरी डेंजरस बन सकता है। इसीलिए इसके सिम्टम्स नजर आते ही हमको इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट करना होगा। अगर हम बात करते हैं कि ये किसके द्वारा कॉज होता है, म्यूकोमाइकोसिस में जो आपका वर्ड है माइकोसिस, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वहां पे आपकी फंगस इन्वॉल्व हो रहे हैं। माइकोलॉजी का मतलब होता है ऐसा ब्रांच जिसमें हम फंगस के बारे में स्टडी करते हैं, मोल्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जिसके पीछे जिसका हाथ है वह है एक फंगस। हिंदी में इसको फफूंद बोलते हैं, और ये जो फफूंद है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। कभी कभी कोविड-19 आया तो साथ में लेकर के आया, ऐसा नहीं है, पहले से प्रेजेंट है, लेकिन इसके केसेस बहुत कम सुनते थे क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी ठीक ठाक थी, बट कोविड-19 होने के कारण से इम्यूनिटी वीक हो गई है, और भी चीजें जिसको मैंने डिस्कस किया उनकी वजह से वो ससेप्टेबल ज्यादा हो जा रहा है। अब इसके देखिए कॉज्ड बाय फंगस, कौन से तरीके का फंगस, एक स्पेसिफिक फंगस है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोमाइसेट्स, इसके कारण से ये होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में, हम तक ये आप तक नाक के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। हाउ इट अफेक्ट, ये कैसे अफेक्ट करता है, इसका ऐसा क्या चीज है जो हमें अफेक्ट करेगा, वाया इनहेलेशन ऑफ द फंगल स्पोर्स। ये जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है स्पोर्स, इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम बात करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में, तो स्पोर उनका वो फॉर्म है, उनका कन्वर्टेड वो फॉर्म है जहां पे वो अपने आप को एडवर्स कंडीशन से बचाने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़े स्ट्रांग इनफ हो जाते हैं, और जहां पे वो पाते हैं कि हाँ अब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो मेरे लिए फेवरेबल हो चुका है, तब वो अपना असर दिखाते हैं। तो उस स्पोर्स को जो कि सस्पेंडेड है, मैंने माइक्रोबायोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से समझाया भी है कि जो सस्पेंडेड है हवा में है, जमीन में है, इनसे अगर हम कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये हम तक एंटर कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट जो कि कोविड-19 से कवर हुए हैं, इम्यून सिस्टम वीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज किया हुआ है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में है, उनको लीवर की प्रॉब्लम है, ये ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे जमीन के कांटेक्ट में आते हैं गार्डनिंग करते समय, तो वो जो अगर आपके फंगस है वो प्रेजेंट है तो वो भी आ सकता है। इसीलिए ग्लव्स पहनने की, बूट पहनने की सजेशन दिया गया है ICMR के द्वारा, फुल स्लीव शर्ट पहनने की सजेशन दी गई है। इसमें अगर हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या है, साइन एक अलग चीज होता है, सिम्टम्स अलग होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हम दोनों को जोड़ करके एक जैसा मान करके चलते हैं। साइन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लक्षण जो कि इस बीमारी में भी देख सकते हो आप, लेकिन ऐसा ही लक्षण किसी दूसरे बीमारी में भी देखे जा सकते हैं। तो
आप एकदम 100% ये श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि ये लक्षण है, ये साइन है, ये लक्षण है तो उसको यही चीज है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे जो कि स्पेसिफिकली ये दिखाएगा कि इसकी संभावना ज्यादा है कि ये यही हो। जैसे बुखार आना बहुत कॉमन है, सर दर्द करना बहुत कॉमन है, तो इससे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो जज नहीं कर पाओगे। वोमिटिंग कर, कई बीमारी में वोमिटिंग होती है तो हम एग्जैक्टली जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है। लेकिन इन साइंस में मैं एक और सिम्टम जोड़ दूं कि इसके साथ साथ मेरी आंखों का कलर, मेरी बॉडी का कलर, मेरा यूरिन का कलर येलोविश हो रहा है, तो आप एकदम से श्योर हो जाएंगे कि जॉन्डिस हुआ है। तो यहां पे साइन तो किसी और में भी हो सकता है, बट सिम्टम स्पेसिफिकली नियर बाय स्पेसिफिकली टू पर्टिकुलर डिजीज। तो यहां पे साइन और सिम्टम्स क्या क्या है इस म्यूकोमाइकोसिस के, तो देखिए जो चीजें आपकी ब्लैक में है वो साइन को रिप्रेजेंट करती है, जो ब्लू में है वो आपको सिम्टम प्लस प्लस एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर दोनों को मिलाकर के रेड और ब्लू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला जो साइन है उसमें यह है पेन, रेडनेस अराउंड आई एंड नोज। सिम्टम्स के हिसाब से बात करें, साइन के हिसाब से बात करें, कंबाइंड रूप से बात करें तो उसमें देखेंगे कि आपकी आपके नाक के आसपास, मुंह में, चेहरे में और इस मुंह के आसपास लालिमा लगने लगेगी, रेडनेस होने लगेगा, पेन होने लगेगा, ये पहला सिम्टम नजर आने लगेगा। दूसरा आप देखोगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नजर आएगा, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ जाएगी, ब्रेथ थोड़ा थोड़ा ऐसा आ रहा है जैसे महसूस करेंगे, चेस्ट पे कुछ हैवीनेस लग रहा है ऐसा महसूस करोगे। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इससे पहले जो वीडियो बनाया हूं लगभग 20 मिनट्स का है, इस 20 मिनट के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कोई भी कट नहीं है, कंटिन्यूसली मैं 20 मिनट में फास्ट बोल रहा हूं, तो यहां पे मेरी सांस नहीं रुक रही, नहीं भर रहा। लेकिन अगर ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता तो मुझे इस तरीके की फीलिंग्स हो रही होती, ये मुझे ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सारी चीजें को ध्यान में रखना चाहिए हम लोग को ताकि समझ में आ सके। इसके बाद है फीवर, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, पैरोजन की एंट्री हो रही होगी, कोई एलर्जन आ रहा होगा, तो भी हमारी बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स के लिए फीवर जनरेट करेगी। तो एक्जैक्टली फीवर देख करके ये बोलना तो पॉसिबल नहीं है कि उसका म्यूकोमाइकोसिस है, हमको टैली करना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, जिसमें से एक है आपका खून वाली वोमिटिंग। आपकी वोमिटिंग होगी, उसमें ब्लड के कुछ पार्टिकल्स, कुछ ड्रॉप्स भी आने लगेंगे, अब वहां पे आपकी जो घंटी बजेगी खतरे की वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, आप डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए। इसके बाद हेडेक होगा, आपका जो स्पूटम होगा वो भी ब्लैक कलर में जाएगा, उस स्पूटम में भी ब्लड ड्रॉप आ सकते हैं, इसके साथ साथ ब्लैक फंगल स्पॉट नजर आने लगेंगे आपके फेस में। इसी ब्लैक फंगल स्पॉट की वजह से ही इसका जो दूसरा नाम पड़ा है वह है ब्लैक फंगल डिजीज। ऐसा डिजीज जो किसके द्वारा कॉज होता है, फंगल के द्वारा कॉज होता है। वो फंगस का इन्फेक्शन दिखता कैसे है, ब्लैक दिखता है, दैट इज व्हाई ब्लैक फंगल डिजीज कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और खतरे वाली घंटी के सिग्नल की, ये है आपका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस या स्टेट। इस व्यक्ति की जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होने लगेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जजमेंटल एक्टिविटी जो होनी चाहिए थी कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन दोनों में प्रिसाइज कौन सा है, जहां पे इंटेलेक्चुअल की जरूरत पड़ेगी वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सिम्टम्स है वो है आपका ब्लड इट म्यूकस फ्रॉम नोज। अगर नाक से म्यूकस निकल रहा है तो उस म्यूकस का कलर ब्लैक हो सकता है, प्लस उसमें से ब्लड के ड्रॉप आ सकते हैं, ये खतरनाक सिम्टम में से एक है। उसके बाद देखिए अगला लोकल पेन ऑन चिक बोन, आपके जो गाल हैं इसके आसपास उसी पर्टिकुलर पार्ट पे दर्द हो सकता है। अगला सिम्टम का था वन साइड फेशियल पेन एंड नंबनेस, आपके इस फेस के किसी एक साइड, अगर मैं इसको यहां से नोस्ट्राइल से बीच के हिस्से को दो भाग में डिवाइड करूं तो किसी भी आइदर साइड में ये पेन नजर आ सकता है, और पेन के साथ साथ नंबनेस यानी कि वहां पे सुन्न हो जाएगा, वो जगह सुन्न नजर आ जाएगा, फील नहीं होगी वहां पे किसी चीज की, ये एक सिग्नल है वार्निंग सिग्नल के रूप में। अगला जो है आपका वह है टूथ एक, दांत में दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये टूथ एक आगे जाकर के लूजनिंग ऑफ टूथ में यानी कि दांतों के गिरने में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सारे साइन और सिम्टम किसी एक व्यक्ति में इकट्ठे नजर आ, ये भी संभव नहीं है, मैक्सिमम दिखे तो सीवियरिटी है लेकिन इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको स्पेसिफिकली भी दिखे जा सकते हैं। अगला जो है वह है आपका ब्लर्ड या डबल विजन। ब्लर्ड विजन का मतलब होता है धुंधला धुंधला दिखाई देना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये जब स्पेक निकालता हूं तो मुझे बहुत दूर की चीजें क्लियरली आप नहीं दिखाई देंगी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, पास की चीजें बड़ी साफ साफ नजर आएंगी। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ है दूर में, तो मैं शायद ये नहीं बोल पाऊंगा एग्जैक्टली, मुझे लगेगा कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्लर्ड विजन।
लेकिन एक और सिम्टम भी होता साथ में ब्लर्ड विजन के साथ साथ जो चीजें हैं वो दो दो दिखेंगी, डबल विजन जिसको हम लोग बोलते हैं वो दिखने लगेंगी। तो ये स्पेसिफिकली पास आते जा रहा है कि अब आपका जो डाउट था कि मुझे है कि नहीं है वो पास में पहुंचते जाएगा। इसके बाद देखिए इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन थोड़ा अलग होता है, मैनेजमेंट थोड़ा अलग होता है और ट्रीटमेंट अलग होता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे बचाओगे उसके होने से पहले, होना ही नहीं देना है वो क्या क्या है, दैट्स कॉल्ड प्रिवेंशन। आप क्या कर सकते हो, मास्क एट कंस्ट्रक्शन साइट, अगर आप किसी ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट में जा रहे हैं या जहां पे धूल की संभावना बचती है दिखती है तो वहां पे आपको मास्क लगाना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, गवर्नमेंट ने रिसेंटली में कुछ दिन पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि सबसे पहले तो बोला गया था कि आपको ये जो N95 मास्क है वो जरूरी नहीं, बहुत सारे कंट्रोवर्सियल चले। फिर अभी के लेटेस्ट जो स्टेटमेंट उसमें कह रहा है कि आपका केवल कपड़े का जो मास्क होता है, कॉटन का जो मास्क होता है वो सफिशियंट इनफ नहीं है, आपको 3 layer सर्जिकल मास्क यूज करना है। फिर बाद में नोटिफिकेशन आया कि आप दोनों यूज करेंगे, लास्ट जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको 2 mask यूज करने होंगे। एक मास्क जो सबसे पहले आपके फेस पे लगेगा वो होगा 3-ply का सर्जिकल मास्क, उसके बाद आप कॉटन का कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं। लेकिन 2 mask जो आप लगाने वाले हो दोनों अलग अलग टाइप के, जो मैंने बोला है 2 same type के नहीं होने चाहिए लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। इसका क्या फायदा होता है आप इसी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। पहले मैं आपको डस्टी समझा दूं उसके बाद इस मास्क के ऊपर आ जाएंगे। अगर मैं आप बात करूं डस्ट की, ये देखिए मेरे हाथ में डस्ट लगे हुए हैं, यहां पे मैंने वीट फ्लोर को लिया हुआ है, ये जब डस्ट उड़ेगा तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि मेरे हाथ में रह जाए, मेरे शर्ट में गिर जाए, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मूव कर जाए। तो ऐसे केस में पूरी संभावना है कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं फंगस के वो मूव करेंगे। और इसी को COVID-19 से भी एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है विच इज इन्फेक्टेड बाय COVID-19, तो जब ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो बात करते टाइम ये जो ड्रॉपलेट्स है जो छींक हैं वो इस तरीके से उड़ेंगे। आप साफ देख सकते हैं इसको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो अगर इसने कोई प्रोटेक्शन नहीं यूज किया हुआ है, कोई मास्क नहीं पहना हुआ है, तो आप देखिए ये हाथ गीला हो गया, मतलब वो इन्फेक्टेड हो गया उस ड्रॉपलेट से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए हमको मास्क यूज करना पड़ेगा, इस तरीके के मास्क। ये एक कॉटन का मास्क है, इसे अगर आप लगाएंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कितना प्रोटेक्ट करेंगे ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये जो मास्क है इस पे हम ड्रॉपलेट्स लगा रहे हैं, इसके ड्रॉपलेट्स लगाने से अगर व्यक्ति कांटेक्ट में आता है तो उसके पीछे साइड अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए कि पीछे साइड गीला हो गया है, तो मतलब वापस से चांसेस बन सकते हैं, पूरी तरह से सेफ नहीं है। ये है हमारा 3-ply सर्जिकल मास्क, ये हम लगाते हैं। इसके बाद ये लगाते हैं तो प्रोटेक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी वाटरप्रूफ होता है। तो इसको और इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद अगर वो व्यक्ति किसी कॉन्टेक्ट में आता है कोविड वायरस पेशेंट के या तो फिर इस तरह के म्यूकोमाइकोसिस जो डस्ट में सस्पेंडेड है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो इससे तो भले चला जाए लेकिन इसके थ्रू जाना संभव उसका नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें हम प्रिवेंशन के रूप में ले सकते हैं। और दूसरा जो गवर्नमेंट ने दिए कि फुल स्लीव शर्ट पहनना है आपको ताकि कांटेक्ट में ना आए। अगला सिम्टम्स का क्या है, अगला प्रोटेक्शन हमारा क्या कहता है कि वियर शूज लॉन्ग स्लीव शर्ट, हमको शूज पहन के मूव करने होंगे, पैर से भी ना आ जाए, लंबे लंबे फुल स्लीव के शर्ट पहनने होंगे वरना ये डस्ट इस तरीके से आ सकता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आपको प्रॉपर बात लेना पड़ेगा ल्यूक वार्म वाटर से, कुनकुने पानी से बात लेना है जब कभी भी ऐसे कॉन्टेक्ट से होकर के आते हैं तो। इसके बाद जो हमारा है मैनेजमेंट, अगर वो हो गया आपको, अगर अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हो गई तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करके रख सकते हैं, यानी कैसे उसको मिनिमम लेवल पे रख सकते हैं कि वो और ज्यादा बढ़े नहीं। उसके कुछ मेजरमेंट है, सिंपल मेजरमेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला कहता है कंट्रोल डायबिटीज, ऐसे व्यक्ति उन्हीं को ज्यादा खतरा है, नॉर्मल जो COVID-19 के पेशेंट रिकवर होकर के आ गए हैं जिनको कोई भी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो उनको ज्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन देखिए जिसको हाइपर कंडीशंस में है, जो हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन में है, बहुत ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ, उसके लिए डेंजरस है। सो हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल करके रखना है, आपको डाइट पे कंट्रोल रखनी होगी, आपकी जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है इसको अपने डॉक्टर से बात करके उसको ध्यान में लेकर के चेंज करने या उसी को कंटिन्यू करने की जरूरत है एज पर द गाइडलाइन। दूसरा है हमको स्टेरॉइड्स का जो यूज है वो कम से कम कर देना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं। स्टेरॉइड्स आपको आपके डॉक्टर के सजेशन पे लेना स्टार्ट करना था, डॉक्टर के सजेशन पे ही लेना स्टॉप बंद करना है, और क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है।
साथ साथ आपको हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में आपको वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का इंटेक करना चाहिए। सो आपको इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी पर डे के हिसाब से पीना एक रिकमेंडेशन हो सकता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट पीने से हमारे बॉडी में इंफेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ये गाइडलाइन है रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली। आगे बात करते हैं, तो तीसरा है आपका स्टरलाइज्ड वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर इन ऑक्सीजन जनरेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जब कभी भी हम वाटर को एज अ ह्यूमिडिफायर यूज करते हैं तो वो वाटर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी फंगस माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो एज पर द रेफरेंस जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उस लिटरेचर के अकॉर्डिंगली, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली दो तरीके ऐसे हैं जहां पर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। पहला है बाय यूजिंग ड्रग दैट इज एंटी फंगल ड्रग, और आपको शायद पता है कि नहीं पता है, हमने ऑलरेडी हमने फार्माकोलॉजी के टॉपिक में एंटी फंगल ड्रग की इस तरह का थ्योरी लेक्चर कंप्लीटली अपलोड किया हुआ है। इंपॉर्टेंट ड्रग कैटेगरी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल इजी साधारण आदमी को भी समझ में आ जाए, ऐसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनिमेशन के फॉर्म में भी अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप इसी चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, एंटी फंगल ड्रग बाय सॉल्यूशन फार्मेसी और एनिमेशन प्लेलिस्ट और फार्माकोलॉजी। तो पहला है ड्रग का ट्रीटमेंट, इसके लिए जो ड्रग दिया गया है सजेशन में वो है एम्फोटेरिसिन बी। डोज के बारे में डिस्कस हम बिल्कुल नहीं करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी यूजफुल है। दूसरा है आपका पोसाकोनाजोल, विच इज एजोल कैटेगरी ड्रग, वो भी ये यूजफुल हो सकता है। सलाइन ट्रीटमेंट दिया जाता है पहले एम्फोटेरिसिन बी को देने के पहले, तो ये कुछ गाइडलाइन है। दूसरा है, दूसरा ऑप्शन जिस पे ना जाना पड़े तो सबसे अच्छी बात होती है सर्जरी की, कि जो भी बॉडी का पार्ट, जो भी फेस का पार्ट अफेक्टेड हुआ है उस फंगल इन्फेक्शन से, उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दिया जाए ताकि उसमें से जो फंगल है वो दूसरे नियर सेल को अफेक्ट ना कर सके। तो ये बहुत ही सिंपल जानकारी है तब जब आप इस चीज को जानना चाहेंगे, लेकिन यही सिंपल जानकारी को अगर आप अवॉइड करते हो, केयरलेस बनते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब दिक्कत क्या होती है, अगर आप अपने मोबाइल में भी सर्च करेंगे ना म्यूकोमाइकोसिस, तो उसमें यूट्यूब में ऐसे रिजल्ट आ जाएंगे, उसमें लिखा हुआ होता है कैसे बचें, तो ठीक, लेकिन कई ऐसे टॉपिक रहते हैं कि अब आपको मरना पड़ेगा, कोविड के बाद नया खतरनाक, क्या हम बच पाएंगे, मरना तय है, पता नहीं क्या क्या और भी। आप सर्च करके देखिए ना, ऐसे कई कई उत्पटांग टाइप के हेडिंग्स मिलते हैं जिनसे हमको डर लगने लग जाता है। वो गलत जानकारियां भी कुछ हद तक हो सकती हैं, सभी हो ये नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जानकारी गलत हो सकती है। बट हम चूंकि फार्मासिस्ट हैं, चूंकि हम फार्माकोलॉजिस्ट हैं, इसीलिए हम कोई भी गलत जानकारी बिना बेस की जानकारी आपको प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्लस ये जो ऊपर से नीचे तक आप जानकारी देख रहे हैं वो 100% आपके ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, उनके स्क्रीनशॉट्स के अकॉर्डिंगली, उनके एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए एडॉप्ट किया गया है, ताकि कहीं से भी कोई भी मिस्टेक, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो सके। इन्हीं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी क्लियर हुई होगी। आप तो अपना ख्याल रखेंगे रखेंगे, लेकिन जानकारी को अपने जेब में रख से जानकारी का कोई यूज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप नियर बाय लोगों तक भी पहुंचाएंगे, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज बेनिफिशियल जब बात जान के आ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, नमस्कार।